तो दिल्ली के मुखर्जी नगर मामले में पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, वो आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। उसके ऊपर भी मामला दर्ज किया गया। ये मामला शुरू कैसे हुआ था, सीक्वेंस क्या था? इसमें डिटेल्ड इंक्वायरी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्दर्न रेंज कर रहे हैं, लेकिन जो कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के दौरान सामने आया है कि एक ये थाना मुखर्जी नगर की एक व्हीकल के साथ इनका एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद जब इनको पुलिस स्टेशन ले जाने की बात की गई, उस दौरान वहाँ पे झड़प हुई और उसी झड़प में जो ड्राइवर है उसने वेपन निकाला और पुलिस पार्टी पे पहले हमला किया। सब्सिक्वेंटली पुलिस पार्टी ने जब उसको ओवर पावर किया, उसके बाद जब पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो कुछ एक्सेसिव फोर्स के सामने आए हैं, जो कि जिनके ऊपर भी ड्राइवर की शिकायत के ऊपर मामला दर्ज कर लिया। ड्राइवर की शिकायत पर जांच में सबसे पहले हमला ड्राइवर ने किया। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ये सभी वीडियो अभी आपके सामने हैं और क्योंकि घटना का एक कई मल्टीपल इस घटना की इमेजेस बनी, वीडियोस रिकॉर्ड हुए, सारी घटना एक वीडियो में 5 या 6 मिनट के वीडियो में क्लियर हो जाती है, जिसमें ये क्लियरली एस्टैब्लिश होता है कि पहला असॉल्ट। सर, सर, सर एक और बात है इसमें, कल बीती शाम एसीपी हैं आपके त्यागी जी, उनको असॉल्ट किया गया, उनकी यूनिफॉर्म फाड़ी गई, उनको मारा गया, कई सेकंड में पुलिस वैन तोड़ी गई, पुलिस प्रॉपर्टी तोड़ी गई, एसीपी में हमला हुआ था, उसमें कोई केस दर्ज होगा सर? ये सब्सिक्वेंट टू द इंसिडेंट रात में मुखर्जी नगर के इलाके में एक लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इशू था, जिसमें काफ़ी गैदरिंग वहाँ पे इकट्ठी हो गई थी, उस गैदरिंग को कंट्रोल करते समय ये इंसिडेंट हुआ है, वो अभी जांच अधीन है। सर, सर जो पता लगा है वो एसीपी मॉब को ये बताने गए थे कि 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन मॉब ने ये सुना नहीं और उनको फिर धक्का मुक्की और जो मारपीट है वो हुई है। प्रोफेशनल पुलिसिंग में कई बार इस प्रकार के इंसिडेंट जरूर सामने आते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा मामले की पूरी तरह, पूरे मामले की सब इंसिडेंट की बिगिनिंग से लेकर एंड तक जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्दर्न रेंज इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं। ड्राइवर की शिकायत पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें कितने पुलिस कर्मियों का आरोपी बनाया गया, क्या था रहा है? सर, सेक्शन क्या है, उसमें क्या सेक्शन है? ड्राइवर की जो शिकायत पे जो मामला दर्ज किया गया है उसमें असॉल्ट और यूज ऑफ फोर्स की धाराओं के अंतर्गत ही मामला दर्ज किया गया है। और नहीं, टेक्निकली सिमिलर सेक्शन नहीं हो सकते, बिकॉज व्हेन पुलिस पर्सन इज नॉट बोलने दीजिए ना यार, नंबर ऑफ पुलिस कर्मी इस सेक्शन में, इस एफआईआर में मेंशन नहीं है। There is no doubt about it. Delhi police is a professional force. We expect better performance from our officers even when a police officer is assaulted upon. The conduct, the subsequent to the assault should have been more professional, and only because of that 3 police persons have been placed under suspension immediately based on preliminary inquiry. Subsequent inquiry is being conducted by Joint Commissioner of Police Northern Range for detailed analysis of the incident. Also, 2 cross FIRs have been registered with regard to incident, one on the basis of complaint of police personnel and another on the basis of complaint of driver. Both these FIRs will be investigated by Delhi Police Crime Branch. तो सर, जो ड्राइवर को भी छोड़ा गया है वो क्या जमानत है या फिर उसकी अरेस्टिंग होगी, उसका क्या स्टेटस है? क्योंकि ये मामला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है, विद रिगार्ड टू अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन डिसीजन विल बी टेकन बाय द क्राइम ब्रांच आफ्टर थोरो इन्वेस्टिगेशन। सर, एक बार एफआईआर तय किया गया, एक बार दोनों तरफ का एक बार जो एफआईआर है ना वो बता दीजिए, सेक्शन क्या क्या है, एक बार मैं डिटेल आपको दे दूंगा। सर, आई विल गिव यू द डिटेल। सर, कोई टाइम लिमिट भी तय की गई है इसकी इंक्वायरी के लिए? इंक्वायरी बिल्कुल एक टाइम लिमिट तय की गई है प्रॉम्प्टली, ये क्योंकि इंसिडेंट कल का ही है, इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट बेस्ड ऑन द प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स ऑफ दिस इंक्वायरी ओनली दिल्ली पुलिस हैव प्लेस्ड 3 of our personnel ऑन अंडर सस्पेंशन विच इंक्लूड 2 ASIs एंड 1 constable। फर्दर इंक्वायरी इज बीइंग कंडक्टेड बाय जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्दर्न रेंज to find out the misconduct of any other officer involved in that incident, and in a short span of time we'll be finalizing this inquiry. Thank you.